हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और इस वीडियो में मैंने सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है हुआ है जो यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा दिया राजधानी एक्सप्रेस, तीसरा दिया हुआ है सुपर शताब्दी एक्सप्रेस और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेन 18 जो हाल ही में चलाई गई है, जो स्पेशल ट्रेन है जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका नाम बदलकर जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है यही है वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप है, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है एंथ्रासाइट, दूसरा दिया है लिग्नाइट, तीसरा दिया हुआ है बिटुनस और चौथा दिया हुआ है पिट। तो कोयले का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी जी, चौथा ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल। तो स्वराज शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसमें पूछा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन आपको दिया साबरमती से, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बरदोली से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चंपारण से और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बिजौलिया से। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन जो शुरू किया था वो चंपारण से किया था। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, जो बिहार में पड़। पाँचवा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है NH7 नेशनल हाईवे 7, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है NH44, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है NH29, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है NH47A। तो भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे 47A है। तो इसका आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा, जो केरल में है और जिसकी पूरी लंबाई 6 किलोमीटर है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे 44 है, जो उत्तर के श्रीनगर से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक बना हुआ है। छठवां क्वेश्चन, यदि कोई द्रव जमता है तो उसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन दिया गया बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी द्रव जमता है तो उसका आयतन हमेशा बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन दिया है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन दिया है वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन दिया है चुनाव आयोग, चौथा दिया ऑप्शन दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग। तो संवैधानिक निकाय जो है वो नीति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, जेलें भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? ऑप्शन दिया हुआ है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अवशिष्ट सूची। तो जेलें जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिया हुआ है विज्ञान से, दूसरा ऑप्शन साहित्य से, तीसरा ऑप्शन खेल से, चौथा ऑप्शन नृत्य से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और खेल में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, वो तो खेल अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित होता है। दसवां प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ने कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है भाग दो, तीसरा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है भाग तीन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है भाग नौ, चौथा ऑप्शन दिया है भाग पाँच। तो संविधान के भाग तीन को जो है वो मैग्ने कार्टा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें मौलिक अधिकारों को बताया गया है भाग तीन में। 11 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो 11वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? ऑप्शन दिया गया है सल्फर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लिथियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सोडियम, चौथा ऑप्शन दिया गया आयरन। तो निम्न में से जो है अधातु जो है वो है सल्फर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।